4 पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 2 ਟੇਬਲਸ ਜਾਂ ਮੈਨੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਵਰਡ ਸੇਮ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 1 to many ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जिदा असी अज पढ़ांगे 1 to 1 रिलेशनशिप दे विच रोल नंबर और दूसरे टेबल दे रोल नंबर दे सेम पॉइंट दे उपर प्राइमरी की लगी हुंदी है इस तरह दे डाटा टेबल नूं आपां 1 to 1 रिलेशनशिप कहिंदे हां और इसका डाटा टाइप सैट करन लग्गियां टेबल 1 दे विच आपां रोल नंबर ते प्राइमरी की लगावांगे ते टेबल 2 दे उपर भी प्राइमरी की लगावांगे इह सेम पॉइंट इक दूजे नूं कनैक्ट करदा है इस तरह की टेबल नूं रिलेशनशिप नूं आपां 1 to 1 आखदे हाँ MSSS दे विच टेबल 1 ते टेबल 2 डाटा फिल भी कर लिया है उस तो बाद असी डाटा बेस टूल दे विच जाके रिलेशनशिप क्रिएट करांगे 2 वक्रे वक्रे टेबल हन और दोनों ऐड कर ले और दोनों वक्रे वक्रे टेबल विद सेम पॉइंट रोल नंबर प्राइमरी की लगी है उसनों ड्रैग करांगे उस तो बाद रोल नंबर और रिलेशनशिप 1 to 1 क्रिएट हो गया क्रिएट और ये रिलेशनशिप हुण बन चुका है इसनों रिलेशनशिप नोट बाद सेव रिलेशनशिप उस तो बाद असी क्रिएट तो बाद जावांगे क्वेरी डिजाइन पे और दोनों टेबल नूं ऐड करांगे ये रिलेशनशिप विद रिलेशनशिप ना ऐड होएगा ड्रैग करांगे डबल क्लिक रोल नंबर डबल क्लिक नेम और मदर नेम फादर नेम सब ते डबल क्लिक करके ऐड करांगे रोल नंबर नूं सिर्फ एक बार ही लवांगे और एक क्वेरी नूं सेव करांगे और देखांगे क्वेरी 1 ओपन करांगे जिस दे विच सानूं दोनों वक्रे टेबल ऐड हो गए आ और असी इसकी रिपोर्ट बनावांगे टेबल 1 दी एक ही रिपोर्ट बननी सी टेबल 2 दी एक ही बननी सी विद दिस रिलेशनशिप ना दोनों कंबाइन करके रिपोर्ट बना चुके हैं और उसनों डिजाइन भी दे दिता थैंक फॉर वॉचिंग